धर्म
इस्लाम धर्म कहाँ हुआ? नहीं, पाकिस्तान। अब अरब में बेटा, मक्का मदीना अरब में है ना। अरब भी कहाँ है? एशिया में। फिर ईसाई धर्म कहाँ हुआ है? रोम, रोम में, जेरूसलम में हुआ है ना। उसके बाद सिख धर्म पंजाब कहाँ है? इंडिया। वो भी कहाँ हुआ? इंडिया। ठीक है। उसके जैन धर्म कहाँ पे हुआ? इंडिया में। वेरी गुड। कहाँ पे हुए थे? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? बिहार के पास है ना। इसके बाद बौद्ध धर्म चीन में। नहीं, चीन में बौद्ध धर्म मानते हैं बेटा, पर गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? भारत में, है ना। तो इसलिए एशिया को क्या बोलते हैं? सब धर्मों का झूला पालना बोलते हैं। ठीक है। तो सब धर्म एक, हमने एक हाथी वाली कहानी सुनाई थी बच्चों को, याद है कि नहीं है? याद। चलो सुनो हाथी की कहानी फिर से ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने नहीं सुनी। आज हाथी की कहानी सुना रहे बच्चों को, बच्चे ध्यान से सुनेंगे कहानी। एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव में पांच अंधे थे। कितने थे? पांच। टोटल फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव, पांच अंधे। और पांचों अपने गांव से दूसरे गांव जाना चाहते। कहां जा रहे थे? अब उस समय की बात है जब ट्रेन और बस नहीं थी, तो बैलगाड़ी से जाते थे लोग। किंतु उनका गांव बहुत इंटीरियर है, तो वहां पे बैलगाड़ी उस दिन नहीं मिली। अब नहीं मिली तो उनने कहा हमें तो आज जाना ही है, जरूरी काम है। पांचों ने बोला ठीक है, हाथ पकड़ के और एक के बाद एक चलना शुरू। सब चल रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। अब अपन एक गांव से दूसरे, अपन यहाँ से जबलपुर से कटनी बहुत से बच्चे गए होंगे ना, रोड से गए ना अपन, तो रास्ते में क्या पड़ता है? पेड़ पड़ते, जंगल पड़ता है ना। अब तो रोड बन गई है, तो पहले क्या था? जंगल पड़ता था। तो जैसे जंगल आया तो बच्चे क्या करने लगे, वो पांचों आदमी एकदम से ऐसे एक दूसरे को और हाथ पकड़ लिया, पास पास हो गए, डर गए, डर जाएंगे ना कि जंगल है। अब दिखाई तो दे नहीं रहा है, आवाज कैसी आ रही थी? साय 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 साय, और पत्ते खड़खड़ 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 हो रहे थे, और डर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक कोई चीज आके दिखा, ऐसे 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 आ रही है। तो उनको लगा ये क्या चीज है, तो एक ने उसको बोला जल्दी से, अच्छा ये तो कोई सांप जैसा कुछ है। दूसरे ने टटोला, ये तो कुछ खंबा लग रहा है। तीसरे ने निकाले, ये तो दीवार है, दीवार। चौथे ने देखा, ये तो सूपा लग रहा है। और लास्ट वाले ने देखा, ये तो क्या है, रस्सी। अब पांचों जल्दी से बढ़ते जा रहे थे और आपस में कह रहे थे भाई जो चीज निकली वो क्या? एक पहले ने क्या कहा? सांप। दूसरे ने खंबा। तीसरे ने दीवार। चौथे ने सूपा। पांचवे ने रस्सी। अब लड़ने गई नहीं, रस्सी थी, उसने कहा नहीं नहीं सूपा था। आज पांचों में आपस में क्या हो गया? झगड़ा, झगड़ा। अब झगड़ा बहुत नाराज हो गए। इतने में उस वहां पे कौन आ गए? उनके गुरु जी। गुरु जी कहते हैं भाई क्या बात है यार, पांचों क्यों झगड़ा कर रहे हो? गुरु जी अभी यहाँ से एक बड़ी सी चीज नहीं, तो ये कह रहा है कि कहता है गुरु जी वो तो क्या निकला है? दूसरे ने कहा खंबा। दूसरे ने कहा चौथे ने कहा सूपा। पांचवे ने कहा रस्सी। गुरु जी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, गुरु जी मैं सही हूँ। सब कह रहे थे मैं सही हूँ। अब गुरु जी ने कहा कि भाई अभी जो चीज निकली उसे मैंने भी देखा, वो चीज
मैंने भी देखा। बोले गुरु जी क्या थी वो? तो भाई जिसने कहा कि वो सांप था वो भी सही है, जिसने कहा सुपर वो भी सही है, जिसने कहा खंबा वो भी सही है, जिसने कहा रस्सी वो भी सही। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है गुरु जी? तो बोले गुरु जी बेटा तुम लोगों ने क्या देखा था? हाथी। क्या देखा? हाथी की सूंड कैसी होती है? सांप जैसी। और उसके कान जैसे, उसका पेट जैसे, और पूछ वैसी है। तो ये कहानी कहाँ की है मालूम है बेटा? जैन धर्म की। किस धर्म की कहानी है? इस कहानी से ये बताया गया है जैन धर्म में कि सब धर्म एक है। किसी ने उसको रस्सी के समान पकड़ा है, किसी ने सूबे के समान। हर धर्म एक है और सभी धर्म में मूल बातें एक है। जैसे सब धर्म पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर। कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च, जिनालय, चैत्यालय, मालूम है ना? इस पूजा की जगह, हर धर्म की अलग अलग पूजा की जगह है। हिंदू धर्म वाले कहाँ जाते हैं? इस्लाम और सिख धर्म, और ईसाई धर्म वाले। अच्छा अब ये बताओ हिंदू धर्म वाले क्या, जैन धर्म वाले जिनालय बोलते हैं ना, और बुद्ध धर्म वाले चैत्यालय बोलते हैं, बिहार या मठ। अब दूसरी बात बताओ कि हिंदू लोग कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? पवित्र पुस्तक। इस्लाम धर्म वाले कुरान शरीफ। और सिख धर्म वाले और ईसाई धर्म वाले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठा। जैन धर्म वाले जिनवाणी। वेरी गुड, जिनवाणी पढ़। अब समझ गए बच्चे, हर धर्म में अच्छी पुस्तक। अब तो गीता में क्या कहा गया मालूम बच्चों को? कि सबसे अच्छे से बोलना चाहिए। जैसे एक गीता का श्लोक है अनुद्वेग करम वाक्य, बहुत मीठा अच्छे से सबसे बोलना चाहिए। जिनवाणी ने क्या कहा है? कि कभी किसी को तकलीफ मत दो, अच्छे से बात करो। वही बात बुद्ध धर्म कहता है, वही क्रिश्चियन कहते हैं कि अपने से वैसे ही प्यार करो जितना तुम अपने पड़ोसी से, उतना ही प्यार करो जितना तुम खुद से करो। हर धर्म एक ही बात कहते हैं, अहिंसा की और प्रेम की। तो हर धर्म के तीर्थ होते हैं मालूम है? सब हिंदुओं का तीर्थ क्या है बताओ? जैनों का तीर्थ बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। जैन धर्म शिखर थी रामेश्वरम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम,